अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, बंजर हिल पुलिस स्टेशन हुदूद पैरामाउंट कॉलोनी में एक शादी खाने को लेकर अवाम में नाराजगी पाई जा रही है और इसी बात को लेकर कल एक झगड़ा भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फहीम पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर के अधीन फहीम फंक्शन हॉल का ओनर। आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जो एक गुंडा असद पटेल वहीं पर जो रहता है वो वसूली के लिए आता था, उसके ऊपर हम कंप्लेन दिए थे 10 जुलाई 2018 में। वो तो केस जिसके दर्ज है 534/2018 सेवरल सेक्शन के में, उस वो हमारे फैमिली लेडीज़ को आके गालियां दिया फंक्शन हॉल के सामने, तो हमारे वाइफ कंप्लेन कर गए। आज जब मैं फार्मेसी को गया तो फॉलो करते हुए उन्होंने आए जो आके मेरे बाजू धक्का दिया, फिर पूछा ओनर को फार्मेसी के यहाँ CCTV कैमरे है क्या, तो बोला नहीं है साहब। तो उसके बाद वो बोला वो कंप्लेन तो मेरे ऊपर जो करा उतार करता है, नहीं बोलते कभी बोला कभी भी नहीं करता बोलते कभी भी नहीं करता बोलते वो बोला मैं जब मार डालता बोलते भागे बैठे जाए वहाँ कपड़ों के बेचने वाला था कुर्ते वगैरह, उसके ने कैंची उसके स्टाफ्स वगैरह कैंची थी बड़ी ले लेके मेरे को मारने गया। वो मारने गया तो मैं उसको रोका, गला काट दे रहा था मेरा, एकदम मेरे को यहाँ खट गया, खट के बहुत खून बहा, लोग चिप पुकारा करके उसको रोक दिए, ढकल दिए, अलग कर दिया दोनों को, भाग गया उसके बाइक पे हमारे दोस्त आए। फिर इमीडिएटली पुलिस को कॉल करा, घर वालों को कॉल करा, बचाओ बचाओ चिल्लाया। जब पुलिस में पुलिस वाले इमीडिएट पेट्रोलिंग वाले 5-10 मिनट में आ गए, आने के बाद मैं बयान कर दिया, बोले बोले पहले हॉस्पिटल को जाओ, बोल खून बह रहा बोलते स्टार हॉस्पिटल को लेके गए, वहाँ पे टाके 5-6 टाके मारे मेरे। फिर इमीडिएटली यहाँ आके यहाँ कंप्लेन अभी मैं लिखा दिया, तो वो लोग बोले कि इसको इन्वेस्टिगेट कौन से पीएस पे कंप्लेन करे, इस पीएस को इधर 3 नंबर PS को आके मैं कंप्लेन अभी दिया, तो वो लोग बोले इन्वेस्टिगेट करेंगे। मारने की वजह क्या है आपको? वो कंप्लेन उनके ऊपर जो मैं दिया था वो किस वजह से दिए थे? पहले हफ्ता वसूली के लिए आते थे वो लोग, तो हफ्ता वसूली पहले की तरह जो लीज पे दिए थे फंक्शन हॉल उन लोग हफ्ता दे रहे थे। अब जब मैं आया नया तो मेरे को नहीं मालूम था, हफ्ता पूछने आया तो बोला यहाँ कोई हफ्ता नहीं मिलता बोल, तो जब से गाली गलौज और धमकियाँ तो शुरू हो गए। उसके बाद जब मैं कंप्लेन कर दिया फिर से जो है उन लोग मेरे को मार डालने के जो है धमकियाँ दिए। आज मैं उनको घटा, मैं अक्सर बाहर नहीं निकलता, जैसा उनके हाथ को घटते मार डालते मेरे घर को बोलिए। हुकूमत से और पुलिस से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इस तरह के क्राइम्स फ्यूचर में ना हो और मेरी जान जो सलामत रहे। मैं डॉक्टर फहीम की मम्मी हूँ और अजीम फहीम फंक्शन हॉल और न्यू होराइजन चैरिटी हॉस्पिटल चला रहे मेरे बेटे वहाँ पैरामाउंट कॉलोनी Gate No. 3। और ये सब हम पब्लिक सर्विस के लिए सर्व कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे थोड़े गुंडे पड़े हैं पैरामाउंट कॉलोनी Gate No. 3 पे, और उनका नाम है सत पटेल एंड ऑल ब्रदर्स, और ये सारे मिलके मेरे बेटे की जान को थ्रेट है, और सारे जो है ना हमारे फंक्शन हॉल और हमारे चैरिटी हॉस्पिटल का फाउंडेशन जब पड़ रहा था स्लैब्स पड़ रहे थे जब से थ्रेट दे रहे, और जो है ना अमाउंट पूछ रहे थे एक लमसम अमाउंट, उसको हफ्ता बोल रहे हैं हम, हफ्ता वसूली के लिए आ रहे थे, जब हमने वो समझ नहीं पाए हम लोग कि ये लोग हफ्ता वसूली करना चाह रहे, लेकिन थ्रेट्स दे रहे थे हमको, तो हम वो थ्रेट को फेस करें और एक पुलिस कंप्लेन दिए। तो आज मेरे बेटे डॉक्टर फहीम जब फार्मेसी की तरफ बढ़ रहे थे कोई पेशेंट्स के लिए मेडिसिन लेने के, उन्होंने चैरिटी देते पेशेंट्स को मेडिसिन भी ला के देते, तो उनको पकड़ के बोले कि आप रुके, पहले तो कैमरा है क्या यहाँ पता कर लिया उन्होंने फार्मेसी वाले से मेडिकल हॉल, तो पैरामाउंट कॉलोनी Gate No. 3 पे एक मेडिकल हॉल भी है, दोनों बोले नहीं है सब यहाँ कैमरा बोलते। डॉक्टर फहीम को पकड़ के उन्होंने सीधा वहाँ नाइफ, एक क्लॉथ बेचने वाला नाइफ नहीं सीजर लेके था, बड़ी सीजर, तो सीजर उसके हाथ से छीन के डॉक्टर साहब को नीचे गिरा के सीधा सीजर से मर्डर कर देता हूँ तो मेरे ऊपर केस वापस नहीं लिए तो, और वो केस कुछ भी नहीं हमारे को थ्रेट था बस, हम ये थ्रेट के केस दिए थे, तो उन्होंने आज फिर से थ्रेट अटैक कर दिए, मर्डर अटैक कर दिए बच्चे, और उस पूरे लोग उनको छुड़ाए नहीं तो आज उन्होंने लाइफ पूरे जान ले ले रहे बच्चा, इतनी बड़ी सीजर थी
और सीजर से खूना खून कर दिए डॉक्टर फहीम। अभी आप क्या चाह रहे हैं? पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, ऐसा क्रिमिनल पूरे क्रिमिनल्स को फ्रीडम दे के मत छोड़ना प्लीज़। ये क्रिमिनल्स पे एक्शन लेना, रिमांड पे लेके इसके अगेंस्ट केस बुक करके इसको सीधा रिमांड पे लेके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सही करके मेरे बच्चे को लाइफ को थ्रेट नहीं होना चाहिए। इंडिया में ऐसा थ्रेट है और हम पेरेंट्स सऊदी अरेबिया में जिद्दा में, और ये बच्चा अकेला है, मेरा एक ही बेटा है हेल्दी, और ये बच्चे को मेरे लाइफ का थ्रेट है बोल के मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो एक मिनट, ओके नो प्रॉब्लम, बोलिए। मैं पैरामाउंट कॉलोनी से अमजद पटेल हूँ। मेरे भाई के ऊपर आज शाम में 5:30 के टाइम पे 4 लोगों ने हमला किया है उसके ऊपर। जब हमको इस चीज़ की इत्तला मिली तो हम भाई को लेके हमारे हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे हमने उनको एडमिट कराया वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये उसकी देखिए आप MLC रिपोर्ट है उसकी है वहाँ पर, और ये मेरे भाई के फ़ोटोज़ है ये जो हॉस्पिटल में एडमिट करके। जब हमको इत्तला मिली कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हमारे भाई के नाम से कंप्लेन हुई, तो मेरे को वो कंप्लेन पे मालूम होने पर मेरे को 2 रात को आके मैं रिटर्न कंप्लेन लिखाने के लिए आया यहाँ पर कि मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ। वहाँ किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ था, मेरे भाई को मार के हॉस्पिटलाइज करे हुए लोग, और उल्टा मेरे भाई के ऊपर कंप्लेन करे हुए असद पटेल के ऊपर कि ये बोल करके इन्होंने इनके ऊपर हमला किया बोल के। जब ये हमला करने वाले भाग गए और मेरे भाई को हॉस्पिटल में छोड़े हुए यहाँ पर, मैं पुलिस के पास आया हूँ, यहाँ कंप्लेन लिखाया हूँ यहाँ पर रिटर्न कंप्लेन, और रिटर्न कॉपी हम मांग रहे हैं तो ये लोग दे नहीं रहे यहाँ पर। तो अब जो भी है हमारे को पुलिस से ही उम्मीद है पूरी, जो भी अच्छा इंसाफ होगा हमारा बस हमारे को हमारे कानून से हमारे पुलिस से हमारे को पूरा यकीन है कि आप अच्छा इंसाफ करेंगे हमारे लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सिद्दीक हुसैन पैरामाउंट कॉलोनी में रहता हूँ। ये शादी खाने का जो इशू है 3-4 साल से चल रहा, ये एक शादी खाने की तरफ से पूरे महल्ले के अंदर एक दहशत का माहौल, एक लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को भी लेना चाहिए, और जो है ना पॉलिटिशियंस जो अपने जो एरिया को कंट्रोल करने वाले MLA साहब भी है उनके सामने भी बात रखी गई, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। इसका रीज़न क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक महल्ले के अंदर एक शादी खाने की तरफ से मार तोड़, एक दूसरे के ऊपर इससे पहले तलवार से हमला किया गया, फिर अब जो है ना आपस में लड़ी, एक आदमी को टारगेट बना के 4-4 लोग आके उनके ऊपर हमला करना एक शादी खाना चलाने के लिए। किसके ऊपर अटैक हुआ था? तलवार से जो लोग रोकने गए शादी का, बाजा बज रहा मत बजाओ बोल के, जो रोकने गए बस्ती के लोगों के ऊपर, असद पटेल के ऊपर, या उनके एक भाई है असद पटेल के ऊपर ही हुआ था ना, असद पटेल के ऊपर जो है ना अमजद पटेल के ऊपर भी इससे पहले जो हमला हुआ था तलवार से हमला, लोग नाचने के वास्ते आए बाजे के साथ, वही तलवार से लोग हमला कर दिए, तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? साथ साथ जो है ना फिर अब ऐसा हो रहा, तो एक शादी खाने के वास्ते पूरे महल्ले के अंदर एक इशू बन जा रहा है, एक फसाद हो जा रहा है और एक दहशत का माहौल पैदा हो रहा, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, हमारा यही रिक्वेस्ट है महल्ले की तरफ से कि आप लोग एक्शन लें और ये शादी खानों को बंद कराए, कम से कम ये करें कि उसके वहाँ के बाजे और ये पटाखे बजना, रात में 3-3 बजे तक लोगों को तकलीफ़ होना, इसको तो भी कम से कम रोकने की कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बंजर हिल्स पुलिस वालों से भी और जो है ना हमारे MLA साहब से भी। फंक्शन हॉल का नाम क्या है? अजीम फहीम फंक्शन हॉल, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अस्सलामुअलैकुम, मैं पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा नाम शाकिर खान है। ये अजीम फहीम फंक्शन हॉल के अपोजिट में एक लेन आती है, उसमें जो है हम लोग का घर है। पूरे कॉलोनी वालों को इस शादी खाने से ऑब्जेक्शन पिछले 4 साल से चल रहा है। इन्होंने पहले दूसरों को जो है लीज आउट किए थे, उन्होंने जो है फिर भी जो है संभाल कर कोई बाजा और वगैरह नहीं बजाने देते थे। अब ओनर ख़ुद जो है शादी खाना चलाते हैं और बाकायदा उन्होंने उसके शादी खाने पे लिख के लगाए कि जो है यहाँ पे बाजा ताशा और जो है पटाखे नहीं छोड़ना बोलकर, और जो शादी में जो आते हैं लोग जो बाजा बजाए, हम इससे पहले जो सो पिछले जो सो 1-2 महीने से हम बाजे वालों को पकड़ कर पुलिस को बुला कर कंप्लेन करके पुलिस वालों के बाजा हैंडओवर करे, तो जो फंक्शन में आए सो वाले हैं उन लोग खुद पुलिस वालों के सामने बोले कि शादी खाने वाले जो है हमसे 3,000 रुपये जो है सो बाजा पटाखे छोड़ने के लिए, पुलिस को मैनेज करने के लिए 3,000 रुपये हम जो है सो दिए इनको।
पुलिस वालों को मैनेज करने के लिए शादी खाने वाले 3,000 रुपये लेते, जिसको बाजा और पटाखे फोड़ना रहता था। हम ये बात जो है इसे पहले पुलिस स्टेशन में भी बताए और कई बार जो है सो बाजे पकड़ कर पुलिस वालों के हैंड ओवर करे, रात में 1-1 बजे रात को आके कंप्लेन करे पुलिस स्टेशन में, और वो कंप्लेन ले रहे और उसका ना कोई एफआईआर हो रहा ना तो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ। एरिया एमएलए साहब को भी हम इत्तला कर रहे थे, एरिया एमएलए साहब जो है सो सर्कल साहब को वो करे कि इनका कोई लाइसेंस नहीं है शादी खाने का, कुछ भी नहीं है, वो शादी खाना बंद कराओ। मैं उसके बावजूद भी फिर कुछ जो है एक्शन नहीं हुआ। आज जो है मैं तो नहीं था, पर जो है ये जो मेरे पड़ोसी हैं जो शादी खाने के करीब में ही रहते हैं, उन्होंने जो है मेडिकल इन्हों उससे पहले जो है काफ़ी इसके ऊपर एक्शन लिए थे। पूरी सोसाइटी वालों से बात करे, पूरे सोसाइटी के लोग आजू बाजू के पूरे महल्ले वाले कंप्लेन के ऊपर साइन कर फ़ोन नंबर कर जो सो करीब 100 चिल्लर लोग जो सो कंप्लेन दिए थे सोसाइटी के लेटर हेड पर, तो इन्हों वो कार्रवाई करे। तो इनसे जो है सो वो दुश्मनी रखकर आज जो है उनके ऊपर अटैक करे। अटैक करने के बाद उन्होंने फौरी उनके जो है दोस्त उनको बिठाकर फौरी उन्होंने पेट पर अटैक करे, ये गेट नंबर 3 के पास अटैक करे गए थे। तो वहाँ से उनके दोस्त जो है सो फौरी बिठाकर गाड़ी में डाल के उनको गांधी हॉस्पिटल लेके गए, और जब भी वहीं से कंट्रोल रूम को कॉल कर इत्तला करे कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पर, और हम जो है सो गांधी हॉस्पिटल जो है सो पेशेंट को लेके जा रहे, ये कंट्रोल रूम को इत्तला करे उन लोग करके गांधी हॉस्पिटल गए। जाते ही उनके जो है सो शादी खाने वाले लोग जो है सो उन लोग आकर पीएस में जो है सो कंप्लेन करके, शादी खाने का जो ओनर है उनका बेटा था कहते और उसके साथ 2 बच्चे थे, तो तीनों मिलकर अटैक करे और इन्होंने उधर गांधी हॉस्पिटल कंट्रोल रूम को कंप्लेन करके उन्होंने गांधी हॉस्पिटल गए, और उसके बाद इन लोग यहाँ पीएस को आए आकर जो है सो कंप्लेन करे, तो उल्टा जो है सो उनके ऊपर एफआईआर हुआ कहते। देखो अभी मालूम हुआ कैसा एफआईआर करे उनके ऊपर एफआईआर करे, और ये जो झगड़ा कोई जाति झगड़ा नहीं है, ये जो है पूरी सोसाइटी के तरफ से जो सो उन्होंने जो है एक्शन लिए के जो है ना सोसाइटी के लेटर हेड पे जो है पूरे कंप्लेन करे, उन्होंने अकेले आगे बढ़कर काम करे, तो इसीलिए जो सो उनके ऊपर अटैक करे और उनसे जो सो जाति दुश्मनी मोल ले रहे हैं उन लोग। और आज भी अभी हम आके कंप्लेन कर रहे हैं इसके ऊपर, कई बार हो रहा, और ये एमएलए साहब को भी इत्तला है और पूरी पुलिस को इत्तला है, बंजारेल पुलिस को पिछले 2 साल से इसके ऊपर जो सो कंप्लेन ऐसा है। इससे पहले तलवार से भी अटैक हुई थी 2 साल पहले, इनके कौन कर रहे थे अटैक, ये बाजे जो शादी में आए थे लोग उस टाइम पे जब मैं भी मौजूद था, इनके छोटे भाई के ऊपर तलवार से अटैक कर रहे थे, फॉर्चुनर का आईना फूट गया था, फॉर्चुनर के ऊपर पूरा तलवार के निशान उतर गई थी, पुलिस वाले आकर जो है बच्ची के बाबा को अरेस्ट कर रहे थे। उन लोग बहुत रिक्वेस्ट करके शादी कर गए, दूसरे दिन उन लोग आके बहुत माफ़ी चाहे, हाथा मरना पड़े, तो जब जो है जो सब इंस्पेक्टर थे, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते तो ठीक है, नहीं तो हम एफआईआर करते, बोले तो खैर वो बहुत रिक्वेस्ट करने से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको बात को ख़त्म कर दिए। और ये शादी खाने से पूरी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी वाले आजुक बाजुक वाले हर कोई कंप्लेन दिए हुए हैं, हर एक के फ़ोन नंबर के साथ जो है सो सिग्नेचर के साथ 100 चिल्लर लोगों के जो है सो कंप्लेन दिए हुए यहाँ दाखिल करे हुए हैं पीएस में। पिछले रमज़ान में हुआ था ये, तब से जो है सो ना चल रहा किस्सा, मगर अभी तक कोई शादी खाने में कोई एक्शन नहीं। हर 2-4 दिन में एक बार, 2-4 दिन में एक बार पटाखे फोड़ते, रात में 1 बजे रात को बाजा बजाते और पूरा डिस्टर्ब होता है, छोटे बच्चे परेशान होते हैं। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि भाई उनको जो है या शादी खाना बंद कराएं या इसके ऊपर एक्शन ले कि जो है सो बाजे और पटाखे मत बजे। मखदूम्स बिग मॉल एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, 4 मीनार रोड, हैदराबाद।